नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में अपना वोट डाला और लोगों से और खासकर पहली बार के मतदाताओं से चुनाव में भाग लेने की अपील की है। शाह ने अपने बेटे BCCI सचिव जय शाह और सहित परिवार के ही सदस्यों के साथ अहमदाबाद के नारनपुरा में ही ANC उपक्षेत्रीय कार्यालय में अपना वोट डाला है। वोट डालने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं सभी से वोट देने की अपील करता हूं, खासकर पहली बार मतदाता जो हैं, मतदान करने वाले हैं, उन युवा और लड़कियों और लड़कों को वोट देना चाहिए। बता दें आपको कि गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में राज्य के 14 जिलों की 93 सीटों पर मतदान हो रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 1 से 7 दिसंबर तक जिले में फसल बीमा सप्ताह मनाया जा रहा है। किसानों को फसल बीमा कराने के लिए जागरूक करने हेतु उद्यान विभाग के द्वारा प्रचार वाहन के माध्यम से विकास खंडों में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मुख्य उद्यान अधिकारी तेजपाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस जागरूकता कार्यक्रम के तहत कृषकों फसल बीमा योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और अधिक से अधिक कृषकों को योजना से जोड़कर लाभान्वित किया जाएगा और इस योजना से जुड़कर ही किसान को ओलावृष्टि, चक्रवात, बेमौसमी बारिश आदि कारणों से फसलों की क्षति होने पर बीमा लाभ मिलेगा। रबी सीजन के तहत पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना से संबंधित कार्यक्रम उद्यान विभाग के अंतर्गत संचालित है। इसके तहत जो है 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक जो हमारा फसल बीमा पखवाड़ा है, उसके तहत हमारे जनपद में उद्यान विभाग की जो पार्टनर कंपनी है SBI जनरल इंश्योरेंस, वो क्या नाम है, यहाँ पर अपना वैन चला रही है जागरूकता के विषय, जिसमें जो है क्या नाम है, हमारे यहाँ पर जितनी भी क्रॉप जो संशोधित की गई हैं उनके संबंध में किसानों को जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा हमने फसल बीमा के तहत लगभग जो है क्या नाम है 1 तारीख से लेकर और 31 तारीख तक हम लोग जो है यहाँ पर विभिन्न जगहों पर विभिन्न विकास खंडों में कैंप का आयोजन भी करवा रहे हैं, जिससे जो है अधिक से अधिक किसान इस योजना से लाभान्वित हो सकें। जैसा कि विदित है कि हमारे यहाँ पर जो है मौसम में लगातार जो है क्या नाम है उतार चढ़ाव रहते हैं। समाजवादी पार्टी से विधायक शिवपाल सिंह यादव मतदान स्थल पर वोट करने पहुंचे और इटावा जिले में सपा और भाजपा के लिए प्रतिष्ठा बनी मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव के लिए सोमवार सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। आपको बता दें कि जसवंत नगर के 483 बूथों पर कड़ी सुरक्षा के बीच लोग वोट डाले जा रहे हैं और 10 अक्टूबर को मुलायम सिंह के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी लोकसभा की सीट सपा किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहती। वहीं भाजपा मुलायम सिंह के बिना ही रहे और उनके पहले चुनाव में सपा की परंपरागत सीट को कब्जाना चाहती है और लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 5 विधानसभा सीट में सबसे महत्वपूर्ण जसवंत नगर मानी जाती है और इससे वर्तमान में मुलायम सिंह यादव के भाई और प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव विधायक हैं और जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र के 349 केंद्रों के 483 बूथों पर सुबह 7 बजे से अखिलेश और शिवपाल सिंह यादव की अग्नि परीक्षा शुरू हुई है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मैनपुरी लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर मतदाताओं को संदेश दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि आज का मतदान नेताजी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी और मुलायम सिंह यादव के निधन से रिक्त हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर उनकी बहू और अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव प्रत्याशी हैं। शिवपाल यादव ने भी डिम्पल के लिए प्रचार किया। बता दें कि मतदान स्थल जाने से पहले डिम्पल यादव ने नेताजी को नमन कर आशीर्वाद। डिंपल यादव ने ट्वीट कर लिखा, आज का मतदान नेताजी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगा। मतदान स्थल जाने से पहले अखिलेश यादव ने नेताजी को नमन कर आशीर्वाद लिया है और अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, आज का मतदान नेताजी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है।
भारतीय जनता पार्टी ने सपा व कार्यकर्ताओं पर जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 86 को कैप्चर करने और पीठासीन अधिकारी को डराने धमकाने का आरोप लगाया है और बीजेपी ने बूथ पर सुरक्षा कर्मियों के गायब होने का आरोप भी लगाया है। बताते चले कि करहल विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 104-105 एमनपुर में दबंगों और अराजकतों तत्वों द्वारा ही मतदाताओं को वोट न डालने देने का आरोप लगाया है। करहल विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 70-78 तक सपा का बस्ता सरकारी बीज गोदाम में लगे होने का आरोप लगाया है और भोगांव विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 424 पर दबंगों और अराजक तत्वों के द्वारा मतदाताओं को वोट न डालने देने का आरोप है। जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में महावीर यादव, ब्रजेश यादव, बबलू शाक्य, सर्वेश शाक्य, पूर्व सांसद राम सिंह शाक्य और अजंट सिंह यादव पर अवैध तरीके से गाड़ियां लेकर घूमने और अवैध तरीके से मतदान करवाने का आरोप लगाया है। और इसी खबर पर हमारे साथ यूपी से संवाददाता रोहित सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, आपको बता दूं, आज जो है मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों पर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं दोनों पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं पूरी दमखम से किसी भी प्रकार से चुनाव में मतदान को जो है अपने पक्ष में करवाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से ट्वीट करते हुए समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं पर भारी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो जगह जगह बूथों पर जाकर मतदाताओं को धमका रहे हैं और उनको जो है वोट नहीं करने दे रहे हैं, कई जगह बूथ पर जो है मतदान प्रभावित कर रहे हैं। इसको लेकर इलेक्शन कमीशन और प्रशासन जो है लगातार उसके अपडेट पर कार्रवाई की बात कह रहा है और कई जगह जो है इस तरीके की शिकायतें जो है सही भी पाई गई हैं। जी रोहित, जिस तरह से लगातार आरोप भी लगाए जा रहे हैं और डराने धमकाने की भी बात हो रही है, इसका क्या पूरा मामला है, ये विस्तार से बता दीजिए। बिल्कुल, ये जो जसवंत नगर विधानसभा है यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव यहाँ से विधायक हैं और शिवपाल के जो करीबी हैं ब्रजेश यादव, महावीर यादव और सर्वेश साथ और पूर्व सांसद है राम सिंह साथी, ये पूरे जो है शिवपाल सिंह यादव के करीबी बताए जाते हैं। और आज चूंकि यहाँ पर मतदान हो रहा है और यही लोग, इन्हीं लोगों पर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि यह लोग जो है अवैध तरीके से बिना परमिशन के गाड़ी लेकर वहां पर उस पूरे इलाके में घूम रहे हैं और मतदाताओं को धमकाकर उनको अपने पक्ष में वोट करने की जो है अपने पक्ष में करवाने का मन बना रहे हैं। इसी शिकायत पर SSP टावा ने इन सभी लोगों को अपनी हिरासत में लेके पूछताछ करना शुरू कर दी है और इन लोगों की गाड़ी को जो है पुलिस ने सीज कर दिया है। जी रोहित, सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से देखने को मिल रही है वहां पर? बिल्कुल, जो पूरी लोकसभा क्षेत्र है उसमें भारी मात्रा में पैरामिलिट्री फोर्स जो बाहर से आया हुआ है वो लगाया गया है और उसके बाद कई कंपनी PAC की यहाँ पर मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में यहाँ पर आई हैं, जो कि सुरक्षा व्यवस्था तो प्रशासन और चुनाव आयोग की तरफ से भरपूर यहाँ पर लगाई गई है। लेकिन यह जो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को एक दूसरे पर आरोप लगाने का इस तरीके का दौर अभी तक जारी है। जी रोहित, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। मैनपुरी में सपा नेता पूर्व चेयरमैन अनिल गुप्ता को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बताते चले कि थाना घिरोर पुलिस ने हिरासत में लिया है घिरोर के प्राथमिक विद्यालय बूथ संख्या 461 के पास से पूर्व चेयरमैन को पुलिस ने उठाया है, जिसके चलते सपा समर्थकों ने थाना पहुंचकर हंगामा काटा है। और इसी खबर पर हमारे साथ लगातार बने हुए रोहित सिंह चौहान। रोहित, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइएगा और अनिल गुप्ता को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है, क्यों लिया है ये भी विस्तार से बताइएगा। बिल्कुल, आपको बता दूं ये भोगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत का मामला है। यहाँ पर भोगांव पुलिस ने जो पूर्व चेयरमैन है समाजवादी पार्टी के उनको हिरासत में लेकर थाने में बैठा लिया है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है और उन्होंने थाने पर घेराबंदी करके वहां पर काफी शोर शराबा करना शुरू कर दिया है। अनिल गुप्ता जो चेयरमैन है उन पर पुलिस की तरफ से आरोप लगाया गया है कि इनकी तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शिकायत की गई थी इनके लिए कि यह जो है मतदान स्थल पर जाके बूथ स्तर पर जाके चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं और जो मतदाता है उनको समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करने के दबाव बना रहे हैं। इसी शिकायत पर जो है पुलिस ने इनको शांति व्यवस्था के बरकरार करने के तौर पर अपनी हिरासत में लेके थाने में बैठा लिया है और पुलिस का कहना है कि चुनाव खत्म होने के बाद जो है इनको छोड़ दिया जाएगा। जी
जी रोहित, ये हंगामा कब से चल रहा था, कितना समय हुआ इस हंगामे में और कितने लोग इसमें शामिल हैं? जी अब पूरे लोकसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए, मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में इस तरीके के कई हंगामे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सुबह 7 बजे से जब से यहाँ पे चुनाव शुरू हुआ है तब से जो है कई बूथों पर इस तरीके के छोटे छोटे हंगामे देखने को मिल रहे हैं। दोगांव में भी यह हंगामा जो है तकरीबन पिछले 2 घंटे से यहाँ पर चल रहा है। थाने की पुलिस और पुलिस के आला अधिकारी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर वहाँ पर शांत करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सपा के कार्यकर्ता इस बात को मानने को तैयार नहीं है और अपने जो पूर्व चेयरमैन है अनिल गुप्ता को वहाँ से छुड़वाने का प्रयास कर रहे हैं। जी जी जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सपा नेता पूर्व चेयरमैन जो है अनिल गुप्ता को पुलिस ने हिरासत में लिया है, और इसके साथ ही रोहित, जिस तरह से जो पुलिस है वो भिड़ती हुई नजर भी आ रही है, उनसे बातचीत कर रही है और दोनों के बीच बहस होती हुई तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, दोनों में गर्मा गर्मी का माहौल है। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता पुलिस से कतई दबने को तैयार नहीं हो रहे हैं और पुलिस जो है अपना लगातार उनको समझाने का प्रयास कर रही है कि चुनाव खत्म होने के बाद ही उनको जो है भाईजत उनको थाने से घर के लिए छोड़ दिया जाएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और उन्हें अभी अपने साथ जो है घर ले जाने की जिद कर रहे हैं। जी रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। अलीगढ़ में अपहरण के मुकदमे में आरोपियों की गिरफ्तारी न करने पर विवेचना अधिकारी निजामुद्दीन की शिकायत देकर ही एसएसपी दफ्तर पीड़ित पहुंचा। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है, दरअसल पूरा मामला है थाना कवासी क्षेत्र के पंचशील कॉलोनी के रहने वाले एक युवक का। युवक ने अपने अपहरण के मुकदमे में आज एसएसपी दफ्तर पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस पर आरोप लगाते हुए उसने बताया है कि 2 लोगों को जेल भेज दिया गया और 4 लोगों के नाम निकाल दिए गए। वहीं विवेचना अधिकारी निजामुद्दीन ने से न्याय ना मिलने के कारण एसएसपी से विवेचना बदलवाने की गुहार भी लगाई गई है। आने मुझसे बोले आगे छोड़ दिया जरा, तो मैंने जो है उनको आगे छोड़ा, तभी जो है 4 लोग स्कॉर्पियो गाड़ी लेके घात लगाए हुए थे। चारों ने जो है मेरी गाड़ी की चाबी उन दोनों को दी, जिसमें चारों का नाम था रहीस, दानिश, जीसान, जमालुद्दीन। चारों ने मुझे स्कॉर्पियो में डाला, मारा पीटा। मैं नाबाद लेके गए, मुझे लेके गए कासगंज के एक अज्ञात जंगल से। वहाँ से कैसे छूट गए? वहाँ से पुलिस सर ने मुझे बरामद किया ढोलना पुलिस में। फिर मुकदमा दर्ज कराया गया था उनके खिलाफ? जी। तो क्या रहा फिर उसमें? उसमें जो है निजामुद्दीन सर छानबीन कर रहे थे, मेरी वीडियो बनाई बाकायदे, लेकिन उसमें से 4 नाम उन्होंने काट दिए, 2 को जेल भेज दिया। और 2 तरीके और से वीडियो रात और दिन जो है फोन कर रहे हैं मेरे पास कि तुझे मार देंगे, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, घर पे आके कि जाएंगे तो सही जेल, तुझे मार के जाएंगे। कोई कार्रवाई नहीं हो रही उनके खिलाफ। क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ उन 4ों को और अंदर कराया जाए। पुलिस आपकी कार्रवाई नहीं कर रही है? नहीं कर रही सर। क्या कहती है? ये कह रही है क्या नाम है, तुमने 2ों के ही तो नाम लिखवाए, लेकिन मैंने कि नहीं, 2ों के नहीं, मैंने 6ों के ही नाम लिखवाए और वीडियो भी बनाई है मेरी, लेकिन उन्होंने 2ों की नाम दर्ज रिपोर्ट लिखी है। 4 नाम कितने हटा दिए सर ने? और इसी खबर पर हमारे साथ अलीगढ़ से संवाददाता आकाश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, अपहरण के बाद भी मुकदमा जो है वो दर्ज हुआ लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, ऐसा मामला सामने आया? देखिए, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है थाना कुवासी क्षेत्र के पंचशील कॉलोनी रहने वाले एक युवक के द्वारा लिखवाया गया था, जो कि उसने पूरी पुलिस को जो है बताया कि बीते दिनों जो है एक 4 लोग अनजान बनकर उनको फोन किया गया, फोन करके उन्हें जो है जमीन दिखाने के बहाने उन्हें बुलाया गया और बुलाने के साथ साथ ही एक गाड़ी में उनको डाल करके उनका अपहरण किया गया और उस गाड़ी में डालकर ले जाने का उन्होंने आरोप लगाया है और बताया कि कासगंज पुलिस के द्वारा उनको जो है वहाँ से छुड़ाया गया। किसी तरह पुलिस को जानकारी तो उनको कासगंज पुलिस ने जो वहाँ से छुड़ाया, साथ साथ ही वहाँ से आने के साथ ही उन्होंने जो क्वासी जो विवेचना अधिकारी हैं निजामुद्दीन, उन पर सीधे तौर से आरोप लगाते हुए बताया है कि उनके द्वारा 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया जा गया था, जिसमें से 4 लोगों का नाम उन्होंने काट दिया गया और 2 लोगों को मुकदमा लिखकर जेल भेज दिया गया है। वहीं उसने सीधे तौर पर आज एसएसपी से गुहार लगाई है कि आए दिन ये बाकी के जो 4 लोग हैं वो मुझे आए दिन जान से मारने की धमकी देते हैं, फोन करते हैं तो फैसले का दबाव बनाते हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। एसएसपी दफ्तर पर एसएसपी से मुलाकात कर उन्होंने जो है न्याय की गुहार लगाई है। जी आकाश, ये दबंगों द्वारा इनका अपहरण किया गया था या निजी कोई मामला है?
जैसा कि उन्होंने बताया कि जो लोगों ने अपहरण किया है उनसे जो है पूर्व में रंजिश चली आ रही है। उन्होंने जो है पैसे ऐंठने के चक्कर में उसका अपहरण किया था और पैसे ना मिलने के कारण वो जैसे जो है आए दिन धमकी दे रहे हैं। जी आकाश, पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो पीड़ित युवक है उसने जो पुलिस के ऊपर आरोप लगाते हुए साफ तौर से बताया है कि जो विवेचना अधिकारी हैं निजामुद्दीन, उन्होंने जो है दो लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा, बाकी ये चार लोग थे उनको जो है किसी तरह बचा लिया गया और वो आरोपी जो है खुले घूम रहे हैं, कभी भी उसे जान का खतरा है, कभी भी उसकी हत्या हो सकती है और पुलिस इस पूरे मामले में अभी जो है कार्रवाई करने की बात कर रही है। जी जी आकाश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। मुजफ्फरनगर के खतौली के सीओ राकेश कुमार सिंह बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और मुस्लिम मतदाताओं का आधार कार्ड देखकर उन्हें डांट कर वापस भगा रहे हैं। वहीं मामले को लेकर जब मांग की जा रही है कि चुनाव आयोग मामले को संज्ञान में ले और सीओ को तत्काल सस्पेंड कर निष्पक्ष चुनाव को सुनिश्चित किया जाए। मोगांव विधानसभा के मोहल्ला पथरिया में बूथ संख्या 250 पर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट द्वारा पैसे बांटे जा रहे हैं। मामले का संज्ञान लेकर तत्काल चुनाव आयोग कार्रवाई करे, ऐसी मांग लगातार की जा रही है। तो आपको बता दें, मोगांव विधानसभा के मोहल्ला पथरिया में बूथ संख्या 250 पर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट द्वारा पैसे बांटे जा रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से और लगातार मामले का संज्ञान लेकर तत्काल चुनाव आयोग कार्रवाई करे, समाजवादी पार्टी लगातार मांग कर रही है। और इसी पूरे मामले पर हमारे साथ यूपी से ब्यूरो हेड दानिश वारसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। देखिए, ये भोगांव में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर मीडिया सेल से इसको हैंडल से टैग किया है और सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन से मांग की है और भाजपा पर आरोप लगा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बूथ से पैसे की लेकर के मतलब लेन देन चल रहा है। मैं कह सकता हूँ कि पैसा बांटा जा रहा है, जिसको लेकर के अभी बड़े बड़े दावे किए गए थे कि उत्तर प्रदेश में मतलब ईमानदारी निष्पक्ष चुनाव होगा और ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी ने ये आरोप लगाया है और वीडियो के साथ इसको टैग किया है। हालांकि इस पर इलेक्शन कमीशन कौन सी कार्रवाई करेगा ये तो इलेक्शन कमीशन ही जानेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी ने सीधे सीधे आरोप लगा दिया है भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की तरफ से पैसे बांटे जा रहे हैं। तो क्या वहाँ चुनाव वहाँ पर निष्पक्ष नहीं हो रहा है, और अगर निष्पक्ष नहीं हो रहा है तो क्या वहाँ पर जनता के द्वारा क्या पैसे से खरीदे जा रहे हैं वोट, या उनको इस बात का खतरा लगा हुआ है कि वहाँ से सीट वो हार जाएंगे? तो क्या भोगांव में भाजपा की सीट हारने के चांसेस ज्यादा है? तो क्या समाजवादी पार्टी को हराने का पूरा प्रयास क्या पैसों से किया जा रहा है? क्या मतदाताओं को लुभाने का एक नया तरीका ये खोजा गया है? इसको लेकर के एक वीडियो वायरल हुआ जो कहीं ना कहीं इस पर चुनाव पर भी सवाल खड़ा हो गया और आयोग पर भी निशान लगा दिया है कि उत्तर प्रदेश में जो प्रशासन है वहाँ पर वो कर क्या रहा है। खुलेआम अगर दिन दहाड़े पैसे बांटे जा रहे हैं तो फिर किस बात की रैलियां हो रही है? जी दानिश, जिस तरह से मामला सामने आया, वीडियो वायरल हुई, उसके बाद कोई एक्शन लिया गया इस पूरे वीडियो पर? देखिए, अभी कुछ ही देर पहले जो है समाजवादी पार्टी ने कुछ घंटे पहले इस वीडियो को लगाया है और इस पर मांग की है। अब उस पर शिकायती पत्र वहां के प्रशासन को दिया गया है या डेलीगेशन में समाजवादी पार्टी जैसा कि कल चुनाव आयोग से मिला था, तो क्या उस डेलीगेशन में ये वीडियो को दर्शाया गया है या इस मुद्दे को बताया गया है या अचानक उनके पास ऐसा वीडियो आया है जिसको लेकर के उन्होंने मांग कर डाली है? और अगर मांग कर भी डाली है तो चुनाव आयोग उस पर क्या करेंगे? सबसे बड़ी बात ये कि वहां पर से बड़ी बड़ी रैलियां हुई है, अगर विद्युत को पैसे ही बांटना चाहो तो किस किस बात की रैली, किस बात का संबोधन वहां पर किया गया? जी दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। बाराबंकी जनपद के तिलोकपुर अंतर्गत बेरिया दतौली में रात 1 बजे पहुंचे बदमाशों ने खुशी राम के घर को बनाया है निशाना। बता दें आपको कि इसके बाद जैसे ही जफरुल अंसारी के घर पर चढ़े तो जफरुल अंसारी जग गए और हल्ला मचाया, तो गांव के लोग भी जग गए और बदमाशों को दौड़ाया और जिससे 2 बदमाश जमीन पर गिरे और जैसे ही वो जमीन पर गिरे पास में रखे हथगोले उनके हाथों में ही दग गए हैं, जिससे नए गाँव और मुश्काबाद के बदमाशों के चिथड़े उड़ गए।
और इस पूरी खबर पर हमारे साथ बाराबंकी से हमारे सहयोगी अबू तलहा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अबू, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइएगा। आपको बता दें कि बाराबंकी थाना क्षेत्र, जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के त्रिलोकपुर अंतर्गत एक बेरिया गांव का मामला है। यहां पर तीन बदमाश गांव में घुसे, जो खुशीराम के घर पर चोरी करके दूसरे घर पे जा रहे थे। दीवार फांदे अंदर जो घर में मौजूद आदमी थे वो जो है जग गए। जगने के बाद जो उसके बाद जो है उन्होंने शोर शराबा मचाया तो गांव वाले दौड़ाए। जैसे ही गांव वाले उनको दौड़ाया तो एक बदमाश तो दीवार फांद के फरार हो गया। दो बदमाश जैसे फांदने लगे, हाथ में हथगुल्ला था, उसके बाद हथगुल्ला वहीं तक फट गया। जी, जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये चोरों के जो हौसले थे काफी बुलंद नजर आ रहे थे अबू, और इन लोगों ने दो इसमें चोर जो शातिर चोर थे वो भागने में भी फरार जो वहां से हो गए हैं, और दो जो हैं वो कब्जे में भी आ गए हैं। जी, जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को, जो बदमाश घायल थे उनको जो है जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर रिफर भेजा गया है। उसके बाद जो है पुलिस वहाँ जांच पड़ताल कर रही है। जी अबू, इनका गिरोह चलता है, ये चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं जिस तरह से पहले भी गांव में चोरी की वारदात हुई हो? नहीं, कहीं ना कहीं जो हिसाब से घटनाएं हो रही बाराबंकी में, तीन चोरियां अभी देवा में हुई, उसके बाद और एक जो है लूट हुई घटना हुई चोरी की रामनगर भट्टे पे, अभी लगातार चोरियां हो रही है और पुलिस अभी क्या कर रही है, जांच पड़ताल ही कर रही है, अभी कोई ये गिरोह पकड़ा नहीं गया है। जी, अब दो चोर इसमें जो भागने में फरार वहां से हो गए हैं मौके से, उनको अभी पकड़ने के लिए पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस जो है इस पे कार्रवाई धरपकड़ शुरू कर दी है, और जो अभी ये नहीं कंफर्म हो पाया है कि अभी किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अबू हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। सीतापुर में महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। दरअसल पूरा मामला थाना सदरपुर क्षेत्र के बनकटी गांव का है, जहां सुबह आज महिला का शव सड़क किनारे गड्ढे में पड़ा मिला। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं मौके पर पहुंचे सीओ अहमदाबाद और इसके साथ ही सभी पहलुओं पर जांच में जुटे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जी, आज से लगभग प्रातः 8 बजे एक सूचना प्राप्त हुई थाना सरपुर पे कि ग्राम बनकटी में एक महिला है की लगभग 45 साल से ऊपर है, उनकी हत्या कर दी गई है। मौके पे हमारे क्षेत्राधिकारी हैं, हमारे एसपी महोदय मौके पे आए और जानकारी हुई कि यहाँ पे एक परिवार हरदोलाल जी का है जो रिटायर्ड टीचर हैं, उनके पुत्र की डेथ हो गई है लगभग 20 साल पहले। उनकी विडो बहू है, उसकी लगभग 45 साल है, उसकी यहाँ पे हत्या कर दी गई है। उनका आरोप है कि हमारे पड़ोस में पटीदार है उत्तम और उनके भाई हैं जिनका विवाद लगातार हमारा चल रहा है। हम लोगों ने धमकी दिया था कि इनकी हत्या कर देंगे। आज उनकी बहू प्रातः 5 बजे के बाद अपने घर से निकल खेत में आई थी, वहीं उनका उसका झगड़ा हुआ बाद में लोगों ने। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ सीतापुर से हमारे संवाददाता शिवराज सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवराज, अज्ञात शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया है, पूरा मामला क्या है? देखिए, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, पूरा मामला थाना सदर के इलाके का है, जहाँ पे आज सुबह घर से निकली महिला पहुंच के लिए जिसका शव मिलने से इलाके में कंपनी चल गए। जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मौके पर सीओ सदर पहुंचे और उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी पहलुओं पर जांच करने की बात भी कही है। जी, बताया जा रहा है कि शव किसका है और इसके बारे में कुछ जानकारी हासिल हो पाई है शिवराज? जी बिल्कुल, ये बताना चाहूंगा, ये सब जो है ये पड़ोस की महिला है उसका है, और इसका पति जो है वो उसका अभी कुछ दिन पहले ही इसका निधन हो गया था, और ये विधवा है और इसका एक बेटा भी है। जी, तो पुलिस कयास लगा रही, ऐसा तो नहीं कहीं पर इसके प्रेम प्रसंग के चलते इसकी हत्या की गई, और सभी पहलुओं पर इसी को लेकर महमूदाबाद जांच भी कर रहे हैं। बिल्कुल शिवराज, और शव मिलने के बाद इलाके में जो ग्रामीण है उनका जमावड़ा भी देखने को तस्वीरों में साफ तौर पर मिल रहा है। देखिए बिल्कुल, जैसे कि सुबह हुई और लोगों ने देखा कि महिला का जो शव था वो रोड के किनारे गड्ढे में पड़ा हुआ था, तो इसी को लेकर एक जब राहगीरों को जानकारी हुई सुबह को, जब शौच को लिए निकले थे तो पूरा गांव पूरा क्षेत्र वहां पर एकत्रित हो गया और इसी को लेकर जमावड़ा लग गया।
जी, और पुलिस तक सूचना कैसे पहुंची है शिवराज? पुलिस को सूचना गांव के ही लोगों ने, जब सुबह पहुंच के लिए निकले और उन्होंने देखा महिला का शव पड़ा है, गांव की महिला है, तो उन्होंने तत्काल उसके जो उसका बेटा था उसको फोन किया और वो उनका बेटा है, उसने तुरंत तत्काल में ही उनको पुलिस को सूचना दी। जी शिवराज, एक पहलू ये भी उठता है कि महिला घर से जब गायब थी तो फिर परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना क्यों नहीं दी? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो है संदेह ये भी हो रहा है कि जब घर से महिला गायब थी और उसके बेटा जो है उसको पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी और इस मामले की जानकारी मतलब गांव के लोगों को बताना चाहिए था, तो ऐसा ना करके, तो इसी को लेकर पुलिस सभी पहलुओं पे, सभी बिंदुओं पर भी जांच कर रही है। बिल्कुल शिवराज, सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है और जल्द ही इस मामले का भी खुलासा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो आपको सीतापुर से खबर बता रहे हैं जहां पर शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। बताते चले कि सीतापुर में महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैली हुई है। पूरा मामला जो है थाना सदरपुर क्षेत्र के बनकटी गांव का है, जहां सुबह आज महिला का शव सड़क किनारे गड्ढे में पड़ा मिला। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फिर उसके बाद मामले की छानबीन शुरू कर दी। वहीं ग्रामीणों को सूचना मिली तो ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे और शव के आसपास ग्रामीणों का जमावड़ा देखने को मिला है। वहीं शव को कब्जे में लेकर पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। बताते चले कि अब मामले की जांच लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।